नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे सद्दे का और मंझे का स्टॉक है, लेकिन मैं आपको फिलहाल तो इस सद्दे के बारे में बताऊंगा। इसमें और भी तरह की सद्दा हैं, 6 से 7 तरह की मेरे पास सद्दा है। ये देखिए कितनी प्यारी सद्दा है। इसके अंदर मैं आपको सद्दे के बारे में इसलिए जानकारी दूंगा क्योंकि आप अब पतंगबाजी में, जैसे कि मकर संक्रांति आ रही है, तो आप अपने पतंगबाजी के एक्सपीरियंस को थोड़ा और बेटर कर सके। तो इसमें हर तरीके की सद्दा है, काफ़ी सारी। मैं एक एक करके हर सद्दा का आपको ओवरव्यू दे दूंगा ताकि आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से चूज़ कर सके कि आपको कैसा सद्दा चाहिए। तो ये देखिए कितना प्यारा सद्दा है दोस्तों। इसके अंदर फारुखाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, ऐसे कई शहरों की सद्दा है। एक बार आप देखिए दोस्तों, ये मेरी सद्दा है, इनका मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। दोस्तों ये सद्दा जो है, ये बिंदी मामा की सद्दा है, ये भी बिंदी मामा की सद्दा है, ये भी बिंदी मामा की सद्दा है, और ये भी बिंदी मामा की सद्दा है। दोस्तों ये जो सद्दा है ये रेयरली मिलती है, ये जो सद्दा है दोस्तों ये रेयरली मिलती है। ये देखो आप इसके मल्टी कलर्स, इसके अंदर जैसे मल्टी कलर्स है, इसमें भी मल्टी कलर है, ये इसमें भी मल्टी कलर है, ये मिक्स हो रहे हैं थोड़े से, ये डबल कलर में है। तो दोस्तों ये जो सद्दा है ये रेयरली मिलती है, ये ऑर्डर से मिलती है, ये आसानी से दुकानों पर नहीं मिलती। और जब आप थपकी में लड़ाते हैं, जंप में लड़ाते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इनकी प्राइस की मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी प्राइस जो है ये करीब करीब 2000 रुपये से ऊपर ही आती है। चाहे आप जितने ज़्यादा कलर होते हैं उतनी ज़्यादा इसकी प्राइस होती है, और 2000 रुपये से ऊपर की ये सद्दा आती है। सस्ती से सस्ती भी 2000 से ऊपर की आती है। सिंगल कलर में लोगे तो भी 2000 से ऊपर आएगी, और जितने मल्टी कलर आप लेते हो उतनी महंगी ये आती है। ये रेयरली मिलती है दोस्तों। करके सारी सद्दा बताता हूँ। ये जो सद्दा है ये 4 नंबर में है, थोड़ी मोटी सद्दा है, ये पास के पेचों के लिए ज़्यादा बेटर है। उसके बाद ये जो सद्दा है, ये जो सद्दा है दोस्तों, ये 3 नंबर सद्दा है, ये थोड़े लॉन्ग रेंज के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके बाद दोस्तों ये भी 3 नंबर है, ये भी लॉन्ग रेंज में काफ़ी अच्छी है। ये जो सद्दा है ये फारुखाबाद की सद्दा है दोस्तों। इसके अंदर भी देखो 1, 2, 3, 4, 5 कलर है दोस्तों। ये भी बिंदी मामा की सद्दा है। ये दोस्तों ये प्रयागराज की सद्दा है, इसमें डबल कलर है, ये 4 नंबर सद्दा है, ये पास के पेचों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ये भी 4 नंबर सद्दा है दोस्तों, क्योंकि घर से पास में ही पेच लड़ते हैं, इस वजह से ये भी 4 नंबर सद्दा है। ये मैंने चरखियाँ भी कस्टमाइज करवाई हुई है, आप देख सकते हैं, इन पर मेरा नाम है, इन चरखियों पर भी मेरा नाम है, इस चरखी पर मेरा नाम है दोस्तों। मोस्टली चरखियाँ मैंने सारी की सारी कस्टमाइज करवाई हुई है, इसके अंदर मेरा फ़ोटो है। ये जो सद्दा है ये 3 नंबर है, और इसका प्राइस काफ़ी हाई नहीं है, ये 600 से 700 रुपये तक आ जाती है दोस्तों। ये सद्दा 600 से 700 तक इसका प्राइस है, और ये काफ़ी बेटर सद्दा है। आप अगर 500 से 600 मीटर तक पेच लड़ाते हैं उसके लिए बेनिफिट है, अंडर बजट के अंदर है, और बजट के अंदर ये सद्दा आती है और बेस्ट सद्दा है। उसके बाद आती है दोस्तों ये 2 नंबर सद्दा। ये 2 नंबर सद्दा दोस्तों लॉन्ग रेंज के पेच के लिए होती है, जब आप 1000 मीटर 1200 मीटर तक आप लड़ाते हो उसके लिए ये काफ़ी अच्छी होती है। इसका जो मैंने चरखी में भरवाई है, ये ऑरेंज कलर की चरखी है 25 mm की, इसके अंदर मैंने ये सद्दा भरवाई है। और ये सद्दा जो है ये भी फारुखाबाद की सद्दा है, ये भी इतनी जनरली अवेलेबल मुश्किल होती है दोस्तों मार्केट में, इसको भी आपको ऑर्डर से ही बनवानी पड़ती है। उसके बाद आ जाती है ये 6 नंबर, 6 नंबर आपको मुश्किल ही मिलेगी शॉप पर ये अपने पास है, और ये भी पास के पेचों के लिए होती है। इसके अंदर झोल काफ़ी ज़्यादा बनता है, जो ऊपर से पेच लड़ाता है उससे जनरली ये इसकी जो झोल है वो लेट मिलता है, तो अपने पास काफ़ी बेनिफिट होता है। ये कलर मेरा फेवरेट है, ये मैंने कस्टमाइज करवा के बनवाया था दोस्तों। ये जो सद्दा है ये नॉर्मल सद्दा है, ये 350 रुपये का गट्टा आ जाता है, तो ये अंडर बजट है, ये ठीक सद्दा है, ज़्यादा मैं इसको तारीफ नहीं करूँगा, मेरी तरफ से इसे 1 स्टार ही दूंगा मैं, बहुत नॉर्मल सद्दा है ये, ठीक है, इसमें मल्टी कलर है बस। उसके बाद ये है 6 नंबर सद्दा, ये एक और 6 नंबर में आ गई। और दोस्तों सबसे बेस्ट दोस्तों ये जो सद्दा, तो दोस्तों सबसे प्यारी और सबसे बजट में सबसे अच्छी सद्दा ये है। इसका जो कॉन आता है दोस्तों, ये आता है ये 500 ग्राम या 400 ग्राम का इसका कॉन आता है, ये विक्टर का कौन है, या आप शंख का भी ले लो। जनरली ये दोस्तों ये सद्दा इसलिए अच्छी है क्योंकि ये बजट के अंदर आ जाती है, और अगर आप सीजन टाइम पर लड़ाते हो, जैसे मेरे कुछ नए दोस्त हैं, जैसे कि
वो उड़ाते हैं सिर्फ 14 जनवरी से, या मतलब 10 जनवरी से 14 जनवरी तक आसपास 3-4 दिन में वो पतंग उड़ाते हैं। तो आपके लिए जो सबसे अच्छी सद्दा रहेगी वो ये रहेगा, विक्टर का कौन आता है 500 ग्राम का, 300 से 400 रुपये के अंदर आ जाता है जनरली आजकल। जैसे मैं पिछली साल लाया था तो 360 या 370 रुपये का मुझे पड़ा था वो कौन। तो इस साल आप थोड़ा सा और देख लीजिए, तो करीब करीब इतने में ही आ जाता है। इसमें आप अपनी चरखी भी भरवा सकते हो और टंग डालने के लिए आप अलग से सद्दा भी इसमें से बचा सकते हैं। तो ये मेरी सद्दाओं का स्टॉक था दोस्तों। कितनी चरखी हो गई, चलो एक काउंट करते हैं एक बार। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 शब्द आए दोस्तों। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी श्रद्धा अच्छी लगी। मैं आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों। ये बिंदी मामा की श्रद्धा है, ये अलाहाबाद के हैं, प्रयागराज जिसका नाम अब हो चुका है, ये बिंदी मामा की है। ये फारुखाबाद की श्रद्धा है, ये मैंने शारिक भाई से मंगवाई थी। ये बिंदी मामा की श्रद्धा है, ये भी प्रयागराज की है लेकिन ये किसी और कारीगर की है। ये भी बिंदी मामा की श्रद्धा है, ये दोस्तों लखनऊ या मुरादाबाद से मंगवाई हुई श्रद्धा है, जनरली मुझे याद नहीं, ये काफ़ी पुरानी श्रद्धा है इसलिए। ये भी फारुखाबाद की श्रद्धा है दोस्तों, इसका भी मुझे याद नहीं, ये भी शायद मुरादाबाद या लखनऊ की होगी। ये नॉर्मल बैलून की श्रद्धा है ये वाली, ये भी बाहर से मंगवाई हुई है। और ये तो दोस्तों आपको कहीं मिल जाएगी, ये विक्टर की, ये भी नॉर्मल श्रद्धा है। लेकिन ये बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल पतंग उड़ाना चाहते हो बजट के अंदर, तो सबसे बेस्ट श्रद्धा ये है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके बताओ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कलर किस श्रद्धा का लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना।